हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पैर में कट लग गया है तो आप क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम घर पर नहीं रहते हैं, किसी कैंप में हम चले जाते हैं और वहाँ पे हमको कट लग जाता है कांटी से या किसी चीज़ से, लोहे का चीज़ से, तो हम क्या कर सकते हैं। और आपको साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको टिटनस का इंजेक्शन कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कट लग जा चुका है, ये देखिए। और अभी सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो कभी हम कैंप में जाते हैं तो हमारे पास डिटॉल भी नहीं होता है, ना ही कुछ होता है, तो हम क्या करेंगे। तो सिंपली आपके पास डिटॉल भी नहीं है अगर आपके पास है, ना सेवलॉन है, तो अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो आप सैनिटाइज़र से सबसे पहले उसको साफ़ कर लीजिएगा, क्लीन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सैनिटाइज़र से क्लीन कर लेती हूँ। अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो कोई भी साफ़ हैंकी से भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पे सैनिटाइजर गिरा देंगे इसके ऊपर, ताकि जितना भी हमारा चोट है इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया गया है वो निकल जाए और इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। बिल्कुल प्यार से, आराम से क्लीन करना है, ठीक है। थोड़ा आपको यहाँ पे जलन होगा, छनछनाएगा थोड़ा, लेकिन बहुत ही आपको राहत प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। अब आप यहाँ पे एडवेंचर पे आए हुए हैं, तो आपको अगर चोट लग गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बस कहीं भी आप जा रहे हो तो ये हल्दी ज़रूर रखना है आपको अपने पास। यहाँ पे आप अपने चोट पर हल्दी अगर ज़रा सा रब कर देंगे तो आपका जो चोट है काफ़ी ज़्यादा आपको राहत महसूस होगा। ये देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिए। अच्छे से हम हल्दी वहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। हल्दी जब हम लगा लेंगे यहाँ पर चोट के पास, अब इसको हमको इसी तरीके से छोड़ देना है। बात रहा कि टेटनस का इंजेक्शन आपको कब लगाना चाहिए, तो अगर आपको टेटनस का इंजेक्शन जो है वो अगर आपको बर्थ के टाइम पे लग जा चुका है, मतलब जब भी आपके बर्थ के 5 साल तक लग जा चुका है BCG का इंजेक्शन, या फिर 10 साल तक लग जा चुका है, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं। फिर आपको 14 साल की उम्र में एक इंजेक्शन लगता है, तो अगर आप उस समय इंजेक्शन अगर लगवाए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको इंजेक्शन लगवाने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको सही से याद नहीं है कि आपको इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है, तो उस केस में अगर आप इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये जो पेन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आप ऐसे केस में इंजेक्शन अगर नहीं भी लगवाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग वाले एज में ही इंजेक्शन अपना नहीं लगवाया है तो आपको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, ताकि आपको जो बर्थ के समय से लेकर के अब तक में जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो सब अब आगे जा करके ना हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, आप जरूर अपने पैर का ध्यान रखिए, और कहीं भी अगर आप एडवेंचर के लिए जाते हैं तो 2 से 4 चीज़ अपने साथ ज़रूर कैरी किया करिए। पहला सैनिटाइज़र, दूसरा हल्दी, तीसरा कॉटन, और चौथा जो सबसे मेन चीज़ है वो है आइस पैक। अगर आप आइस पैक लगा वहाँ पे कैरी करते हैं कोई से भी चिल्ड फ्रिज में, तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजाइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।